तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग लॉकडाउन में अपने घर पे ही होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। तो लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी की चैन को थोड़ा रिपेयर किया जाए। तो आप देख रहे होंगे इसमें से चैन गायब है फिलहाल में, और ये चैन पड़ी है यहाँ पे, ये बाहर निकाल लिया मैंने। निकालने के पीछे आपको कारण बताता हूँ क्या रहा है कि इसकी जो है मैंने एक जो कड़ी है वो बाहर कर दी है, ये आप देख रहे होंगे। मतलब ये मैंने एक स्टेप छोटी कर दी है चैन, क्योंकि इसके पीछे कारण ये था कि ये चैन जो है इस रेड एरिया को, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो रेड जोन है इसका, इसको पार कर गई थी। लेकिन ये जो चैन है एक्चुअली मतलब इसके आसपास थी, पार नहीं किया था इसको, इसके आसपास थी। पर ये जो चैन है एक्चुअली अभी काफ़ी चल जाएगी, और इसमें जो है फ्री प्ले काफ़ी ज़्यादा हो गया था यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री प्ले का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये एक इंच रहना चाहिए, लेकिन ये डेढ़ इंच से ज़्यादा हो गया था, डेढ़ दो इंच से ऊपर निकल गया था। तो मैंने इसको निकाल के बाहर कर लिया और इसकी एक कड़ी को बाहर निकाल दिया इसमें से। तो क्यों निकाला ये मैंने आपको बता दिया कि चैन छोटी करनी थी, इस वजह से निकाल दिया। अब आप लोग कहेंगे चैन को हमेशा रिप्लेस करते हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो आपको बता दूँ अभी मेरी चैन की जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है, और इसको कंडीशन मेज़र करने के लिए आपको बता दूँ इसको जब मैं मोड़ के देखता हूँ ऐसे, अभी मैं इसको हाथ से नहीं छूँगा क्योंकि ये काली हो रही है काफ़ी, तो ये एक लिमिट तक ही मुड़ रही है, उससे ज़्यादा नहीं मुड़ रही है। देखिए आप लोग भी देख पा रहे होंगे उठने लग गई उधर से, मतलब इसमें जो है गैप जो है वो अभी लगभग इसको 8000 या 5000 के लगभग अभी इसको चला देगा, इसमें अभी इतना गैप है। तो अभी लॉकडाउन है और अभी इसका मिलना भी मुश्किल था, अभी कुछ दिनों में तो ये मुश्किल ही मिलेगी। अगर मैं ऑर्डर भी डालूंगा तो अभी 25 से 30 दिन या हो सकता है उससे भी ज़्यादा दिन लग जाएं इसको आने में। और इसकी मैंने इसलिए इसको बाहर निकाला, इसको मैंने धो भी दिया है स्ट्रे में, और ये देखिए कितनी काफ़ी गंदगी इसमें निकली है, कितनी सारी डस्टिंग इसमें निकली है। इसको धोने के लिए मैंने पेट्रोल का यूज़ किया था जो कि इस बॉटल में था, और इसी गाड़ी के टैंक से मैंने बाहर निकाल लिया था पेट्रोल, क्योंकि ये फुल रहता है टैंक मोस्टली। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी गाड़ी का इंजन विंजन भी खुला पड़ा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ कि इसका जो है अल्टरनेटर सर्विस सेंटर ने ख़राब कर दिया, और मैंने उसको लगभग रिपेयर कर लिया है, और अभी मैं उसको इसमें लगा के इंस्टॉल करके देखूँगा। तो मैंने उससे पहले सोचा कि इसमें चैन को भी एक बार चेंज मार ठीक कर दिया जाए, क्योंकि ये जो आप इस पॉकेट देख रहे हैं, ये जो पॉकेट है इसके टीथ भी अभी प्रॉपर बने हुए हैं, मतलब अभी ये जो टीथ हैं आराम से इसको 5000 से 6000 किलोमीटर चला ले जाएंगे और इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर ये ज़्यादा पहने हो गए होते, मतलब इनके जो किनारे हैं वो ज़्यादा शार्प हो गए होते, तो मैं इसको फिर रिप्लेस ही करता चैन स्प्रॉकेट के पूरे सेट को, लेकिन अभी नहीं करूँगा क्योंकि आगे का आपको मैंने दिखा दिया। और ये देखिए पीछे का स्प्रॉकेट, पीछे का स्प्रॉकेट भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी, और ये भी 5000 से 6000 किलोमीटर चल जाएगा, और उसके बाद ही मैं फिर इसको रिप्लेस करूँगा। और जब कभी रिप्लेस करूँगा तो आपको वीडियो अपलोड करके दिखाऊँगा कि कैसे मतलब रिप्लेस किया है, क्या नहीं, क्या क्या होता है रिप्लेसमेंट में। वैसे कोई ज़्यादा नहीं है, चैन खोलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसका, क्योंकि चैन खोलने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। चैन इसकी जो है इसकी चैन में लॉक नहीं होता है कहीं पर, ये चैन शील्ड चैन कहलाती है और इसमें कहीं लॉक नहीं होता है, और इसको खोलने के लिए आपको हथौड़ी की ज़रूरत पड़ती है और स्टूल की ज़रूरत पड़ती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, पर इसको हिंदी में सुम्मी बोलते हैं यहाँ पे लोकल भाषा में, या पैने मुँह वाली छैनी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इन टूलों की मुझे ज़रूरत पड़ी इसको निकालने के लिए बाहर, और ये मैंने प्रॉपर बाहर निकाल लिया। और ये इसका साइड कवर पड़ा है यहाँ पे, जो लगता है इधर की साइड में वो पड़ा हुआ है, और इसके बचे हुए पार्ट्स जो हैं रखे हुए हैं एक साइड में। और हाँ, आपको निकालने के बाद एक बात बता देता हूँ कि जब आप चैन बाहर निकालते हैं तो चैन की साइड में से ये जो आपको रिंग दिख रही हैं छोटी छोटी, ये दिखने में ही छोटी हैं लेकिन हैं काम की चीज़, ये जो रिंग्स हैं, तो ये जो रिंग्स हैं ये चैन के दोनों साइड लगते हैं और चैन को शील करते हैं। तो इन दोनों रिंग्स की वजह से ही चैन को शील्ड चैन बोला जाता है, और इससे सील होने के बाद चैन के दोनों साइड से इसके जो रोलर्स हैं उनमें कोई डस्टिंग वगैरह नहीं जाती है। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये कैसे लगते हैं। तो ये एक लगता है इधर साइड पे ऐसे, और दूसरा इसके अपोजिट से इसको इंस्टॉल किया जाता है इस तरीके से। अभी रिंग गिर गई है, तो
ऐसे इसको इंस्टॉल करना है, और ये प्रॉपर इंस्टॉल होने के बाद फिर परफेक्ट काम करेगी। और अभी 5 से 6 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, और जैसा कि मैं 10-15 दिन के अंदर अंदर इसको 1000 किलोमीटर के लगभग चला देता हूँ गाड़ी को अपनी को, तो ये मुझे लगभग दो महीने के अंदर या 2 महीने से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम में चेंज करनी होगी, क्योंकि चैन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का। अगर ये कहीं पे गड़बड़ करती है तो पूरी बाइक वहीं पे ही रुक जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो आगे के लिए देखते रहिए वीडियोज़ मेरी, और मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या अपडेट हुए, क्या क्या कुछ नया किया मैंने बाइक में, कुछ मॉडिफिकेशन किए, क्या किए क्या नहीं किए। और हाँ, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि कभी कभी अंधेरा होता है, और जब हम चाबी के होल्डर में लॉक को ढूंढ रहे होते हैं तो हमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका ही वीडियो शायद अपलोड करूँगा, या उससे अगले वीडियो में वही वीडियो होगा, तो देखते रहना वो वीडियोस। बाकी वीडियो ये वाला अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। बाकी मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लेना लाइव अपडेट्स के लिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैसेंजर पे डायरेक्ट लाइव चैट कर सकता है, मैं वहाँ पे कॉल्स भी ले लेता हूँ कभी कभी, अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है या कोई ज़्यादा बड़ा इशू है तो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।